तो आज बनाने जा रहे हैं शाही चिकन। रेसिपी के बारे में बात तो होगी ही, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये रेसिपी बनने के बाद दिखता कैसे है। इस चिकन की सबसे ख़ास बात यह है कि ये चिकन बहुत ही ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बनता है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन लिया है, जिसके अंदर 1.5 चम्मच रेड चिली पाउडर मैंने ऐड किया है, 1/2 चम्मच इसके अंदर इलायची का पाउडर हमने शामिल किया, 1.5 चम्मच इसके अंदर सौंफ का पाउडर डलेगा और नमक स्वाद के अनुसार आपको एडजस्ट करना है। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है जो 3 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और 200 ग्राम इसके अंदर दही डालेंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मैरिनेशन के लिए लगभग 30 मिनट के लिए इसे रखना है। इसके अंदर जो हमने इलायची पाउडर और सौंफ का पाउडर जो यूज़ किया है, जिसकी वजह से खुशबू बहुत ज़बरदस्त होगी इसकी, और जो दही डला है उसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, पहले से ही टेंडर हो जाएगा, तो पकाना हमें कम पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है जिसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रहा हूँ। तेल थोड़ा गर्म होने के बाद इसके अंदर स्लाइस्ड अनियन डालेंगे, तो 2 प्याज काफ़ी है, 2 प्याज इसके अंदर मैंने चॉप करके डाले हुए हैं। अब इसे गोल्डन फ्राई करना है, बरिश्ता जैसे बनता है उस तरीके से इसको फ्राई करके हमें बनाना है। बरिश्ता बनाने का एक और रेसिपी मैंने बहुत पहले शेयर किया हुआ था अपने इसी चैनल पे, जहाँ पे अगर आपको 5 kg भी प्याज का बरिश्ता बनाना है ना, तो 5 मिनट के अंदर अंदर आप उसे बना सकते हो। तो कैसे बनाना है, आई बटन पे मैंने लिंक दिया है, वो आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप वो वाला वीडियो भी जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो। अब ये प्याज थोड़ा थोड़ा गोल्डन होने लगा है, तो थोड़ा देर और वेट करते हैं, ये बिल्कुल ही जब ही क्रिस्पी सा गोल्डन फ्राई हो जाएगा तब इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। अब ये गोल्डन फ्राई हो चुका है, अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे चिकन, जिसे हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था 30 मिनट से। तो चिकन इसके अंदर हमने डाल दिया है, चिकन को इसके अंदर लगभग 15 से 20 मिनट तक हमें स्लो आंच पे इसको पकाना है। चिकन जब तक पक रहा है, एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आगे का आप लोगों को पता है चिकन बनने के बाद कैसा दिखने वाला है, शुरू में ही मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। और इतना मेहनत करने के बाद आप लोगों के लिए इतनी सारी वीडियोज़ मैं अपलोड करते रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर भी कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो चिकन को पकने देते हैं और चलिए देखते हैं एक और मसाला प्रिपरेशन जो हमें करना पड़ेगा इस चिकन के अंदर डालने के लिए। तो मसाला जो हमें ग्राइंड करना है, उसके अंदर कोरिएंडर 3 टीस्पून, जीरा 2 टीस्पून, दालचीनी के 3 छोटे पीसेस लेने हैं, कार्डमम 5 और लौंग 5। इन सभी मसालों को मिक्सर जार के अंदर डाल के फाइन पाउडर बना देना है, और पूरा का पूरा फाइन पाउडर ये हमने चिकन के अंदर शामिल कर दिया। अब इसे चला देते हैं, अच्छे तरीके से पकने देते हैं थोड़ी देर। और इसके अंदर क्या डलेगा, क्योंकि ये शाही चिकन है तो इसके अंदर इतने सारे मसाले से तो काम ख़त्म होना नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें डलेंगी, तो देखते हैं और क्या क्या इसके अंदर हम डालने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज और 8 हरी मिर्च उसी ग्राइंडिंग जार में जिसमें हमने मसाला पीसा था उसमें रख के एकदम फाइन पेस्ट बना देना है, और उसे इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं। अब ये जो प्याज का कच्चापन है वो जब तक पक नहीं जाता, ख़त्म नहीं होता, तब तक उसे इसी तरीके से हल्की आंच पे पकाना है हमें। तो 6 से 7 मिनट लगेंगे प्याज को अच्छे तरीके से पक जाने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा इसे चला के इसी तरीके से पकाते रहना है। अब क्योंकि ये शाही चिकन है तो इसके अंदर ग्रेवी बनाने के लिए पानी तो डाल नहीं सकते हैं, तो इसके जगह पे हम लोग डालेंगे मिल्क। तो 100 ml इसके अंदर मैंने मिल्क ऐड किया है,
जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले जा रहे हैं उससे थोड़ा बहुत तो आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये चिकन कितना ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। अब क्या कर रहा हूँ, मैं इसे ढक के कुक होने देता हूँ, लगभग 8 मिनट तक स्लो हीट पे ही इसे कुक करेंगे। काजू पेस्ट के बगैर शाही चिकन थोड़ा अधूरा सा लग रहा है, तो इसके अंदर काजू का पेस्ट भी बना के हमने ऐड कर दिया। थोड़ा हमने काजू लिया, उसके अंदर मिल्क ऐड करके पीस के इस तरीके से इसके अंदर मैंने डाल दिया है। उसी ग्राइंडिंग जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर से हमने इसके अंदर रख दिया। अब ये फाइनल सारी चीज़ें इसके अंदर डल चुकी है, अब इसको हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। आप लोग देख सकते हो कि ग्रेवी जो है वो कितनी रिच बनी है, टेक्सचर आप लोगों को समझ आ रहा होगा ग्रेवी का, और थोड़ा बहुत तो आप लोग इमेजिन कर ही पा रहे होंगे। बाकी आप लोग बनाएंगे तो आप लोग खुद जान जाएंगे कि ये चिकन कितना ज़्यादा टेस्टी बना है। एक और चीज़ इसके अंदर रह गया है जो डालना है, वो है कोरिएंडर लीव्स। तो चॉप करके फाइनली कोरिएंडर लीव्स इसके अंदर मैंने थोड़ा सा शामिल किया है। सर्व करने से पहले नमक ज़रूर चेक कर लें, अगर आपको कम लगे, मुझे कम लगा है, तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल दिया है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट शाही चिकन बनके रेडी हो गया है। अब चलिए इसे सर्व करते हैं। पराठा या नान के साथ इसका ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होगा, ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी। एक ही प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप ये रेसिपी बनाओगे कि घर वाले हर बार आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वाली चिकन बनाएं, तो हर बार आपको बनाना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिस्मिल्लाह जायका, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।